सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑप्टिमस गेमिंग। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाई गेम इज़ नॉट ओपन। तो हमारा गेम आज ओपन नहीं हुआ क्योंकि आज हमारे गेम पे एक न्यू ओबी अपडेट आएगा और गाइस बहुत ही बढ़िया अपडेट लगा अभी तक का। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि गेम क्यों नहीं ओपन हो रहा है और इसके बाद ओपन होने के बाद क्या क्या अपडेट्स हमको न्यू देखने को मिलेंगे गेम पे। सो एक एक करके सभी को बताऊँगा। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो सबसे पहली बार आए हमारे चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो यार, फर्स्ट बताते हैं हमको क्या क्या आएगा नया, और ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी, ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपको पता है। सो एंडिंग तक देखना वीडियो को, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली आज की वाली। सो एंड तक देखना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो फर्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो वहाँ पे आए एंटी हैक मेजर, एंटी हैक मेजर करके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हैकिंग सिस्टम जो है यहाँ पे अपना फ्री फायर में काफ़ी हद तक बढ़ गया था, वो शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम हो जाए, ठीक है। और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हैकिंग कम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैकर आया था हमारे गेम पे और ग्रेनेड डाले जा रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया, वो ग्रेनेड ही ग्रेनेड डाल रहा था, देख सकते हो। तो यहाँ पे हैकर वगैरह को थोड़ा सा बैन करने के लिए तो काफ़ी एंटी हैक कुछ ला रहा है साथ में। एक उसके बाद सेकेंड अपडेट की बात करते हैं तो क्लैश स्क्वाड में हमारा रैंक सीजन 1 जो था, जो अभी आपको खेलने को दिया गया था, वो तो ऐसे ही दिया गया था, बट इसके बाद अभी सीज़न 1 के नाम पे, रैंक सीजन के नाम पे सीज़न 1 आने वाला है और उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें ऐड किया हुआ है, काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें चेंज किया हुआ है। तो वेपन वगैरह के आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे मिल जाएंगे कि प्राइस कितने कितने में अवेलेबल होगा। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ कर दी जा रही है कि ग्रेनेड सिर्फ आप एक गेम में 2 यूज़ कर सकते हो और ग्लू वॉल 3 यूज़ कर सकते हो और स्मोक ग्रेनेड 1 ही यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे टाइप का बहुत ही अच्छा यानी कि अपडेट दिया जा रहा है, ठीक है। साथ में अभी आपको गेम प्ले के टाइम थोड़ा सा कलरफुल मैप देखने को मिलेगा, मतलब बहुत टाइम से ऐसा हो गया था कि वही पुराना चीज़ देख देख के हम लोग पक गए थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलरफुल चीज़ देखने को मिलेगा हमको। उसके साथ परगेट्री की बात करें तो परगेट्री यहाँ पे देख सकते हो अब हमारा परगेट्री क्लासिक में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लगी मुझे अभी तक की, तो यहाँ पे हमारा परगेट्री क्लासिक में भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्फो बॉक्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो तो मुझे पता नहीं कि क्या चेंजेस है, बट थोड़ी मोड़ी चेंजेस की हुई है, ठीक है। उसके बाद एडवांस अटैचमेंट जो दिख रहा है आपको VSS, उसका जो एडवांस अटैचमेंट आया था कुछ दिन पहले, जिसमें से मतलब फायर करने पे बंदों को और थोड़ा थोड़ा डैमेज होते रहता था क्रॉसबो टाइप से, तो वो 7-7 का होता था, 7 या 6 का, तो उसको अब 8 कर दिया जाएगा और मिनिमम डैमेज 8 होगा। अगर आपको आराम से उसको फायर करते हो तो मिनिमम डैमेज 8 होगा, ठीक है। इनहीलर में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे और साथ में वेपन वगैरह का भी बैलेंस करेंगे, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो नया वेपन आने वाला है M82B ऐसे करके, तो शायद वो स्नाइपर होगा और या शायद स्नाइपर ही होगा। उसका डैमेज 165 के मैक्सिमम डैमेज 165 से, मतलब रेशियो है डैमेज रेशियो, उसके साथ मिनिमम डैमेज 120 है और एमओ जो उसका रहेगा 8 रहेगा। रेंज बहुत ही अच्छा रेंज दिया गया और मूवमेंट स्पीड भी 90% दिया गया, ठीक है। और एमओ प्रिसीजन भी यहाँ पे 30% दिया गया है, बाकी तो बेसिक चीज़ है आपको पता ही होगा सब कुछ। स्केच में भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बॉडी डैमेज पे 40% प्लस किया गया और रेट ऑफ फायर जो 7% प्लस किया गया और एमओ प्रिसीजन भी 10% किया गया, मतलब बहुत ही अच्छा हेड लगेगा इसके बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी अब हमारा ड्रैगनो है, ड्रैगनो में भी बॉडी डैमेज 50% तक बढ़ाया गया और एमओ प्रिसीजन 30% और बढ़ाया गया, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का हो जाएगा हमारा ड्रैगनो और एसकेएच, ठीक है। उसके बाद जो M1887 था, जो कि हमारा 2 गोली वाला शॉटगन जिसको कहते हैं, वो हमारा इफेक्टिव रेंज इसका थोड़ा सा कम किया गया, 15% रेंज कम किया गया और साथ में मिनिमम डैमेज भी 2 किया गया, तो 2 डैमेज भी माइनस किया गया, तो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग होगा, बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद गाइस जो छोटे मोटे और चीज़ है उसको भी मैं बता देता हूँ, तो करेक्टर स्किल में भी थोड़ा सा चेंजेस होने वाले हैं करेक्टर स्किल और पैट्स के स्किल में, तो उसको आप लोग खुद देख लेना, मुझे नहीं पता उतने अच्छे से कि क्या चेंजेस होंगे, तो वो आप लोग जैसे ही गेम आता है स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद गाइस न्यू करेक्टर आने वाला है, उसका नाम मुझे नहीं पता बट न्यू करेक्टर आने वाला है, साथ में न्यू पैट भी आने वाला है, तो वो पैट पंछी टाइप का है आपको पता होगा, तो ओपी है बहुत ही दोनों चीज़। और गेम मोड भी नया आने वाला है बम स्क्वाड, तो बम स्क्वाड शायद परमानेंटली फिक्स कर दिया जाएगा अपने गेम पे। उसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में वगैरह चेंज होने वाली, ग्लू वॉल वगैरह आपको मिलने वाला है और एक नया गन भी मिलने वाला है आपको, जो कि स्नाइपर है आपको पता होगा सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे आप थर्ड चीज़ इमोट स्लॉट की बात करें तो इमोट स्लॉट 8 कर दिया जाएगा 6 से, तो पहले 6 था अब उसको 8 कर दिया जाएगा बढ़ा के, और साथ में गिल्ड सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे
सो यहाँ पे फाइनल कुछ अपडेट्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आने वाले हैं। लास्ट के मैं कुछ चार पांच आपको अपडेट्स बता देता हूँ। तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा यूआई में यहाँ पे, तो गेम का जो रहता है यूज़र इंटरफेस वहाँ पे चेंज किया जाएगा, थोड़ा सा मेल बॉक्स में चेंज किया जाएगा, साथ में एडेड स्पेशल चीज़ ऐड किया जाएगा, स्पेशल फीचर ऐड किया जाएगा स्विफ्ट कैली के लिए। तो आपको पता होगा कि कैली कोई काम की नहीं है स्विफ्ट कैली, तो उसमें स्पेशल फीचर कुछ ऐड किया जाएगा। और साथ में गाइस ऑप्टिमाइज़ यहाँ पे किया जाएगा इमोट इक्विपमेंट को। तो मैंने वहाँ पे बता दिया कि आपको 8 नए इमोट देखने को मिलेंगे, 8 इमोट देखने को मिलेंगे। अभी हम 6 यूज़ कर पाते हैं, तो अभी आप 8 यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्लोज कॉम्बैट के लिए थोड़ा सा क्लोज कॉम्बैट मोड जो रहता है, जैसे कि क्लैश स्क्वाड, बॉम स्क्वाड, तो इनमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा। और यहाँ पे एचपी रिडक्शन फ्रॉम ईपी इंक्रीज बोलेगा, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ईपी जब आपका एचपी कम होगा, तो थोड़ा सा आपका जो ईपी रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा जल्दी से। तो ये बहुत ही अच्छा एक रहेगा मोड हमारे लिए, बहुत ही अच्छा जो न्यू अपडेट आ रहा है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडेड अ सेटिंग बोल रहा है, तो सेटिंग एक ऐड किया जाएगा जो आपको फालतू में इनवाइट करते रहते हैं, जिनके साथ आपको खेलने का मन नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा सेटिंग कर दिया जाएगा, तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारे मतलब यूट्यूबर्स के लिए, सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे आपका जो फायर बटन है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाएंगे, और रिलोड वगैरह में भी बहुत ही हद तक चेंजेस किए जाएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा अभी हमारे लिए। और एडजस्ट यहाँ पे न्यू बाई रिवॉर्ड बोल रहा है, तो जो नए बंदे आएंगे, नए पर्सन खेलने आएंगे गेम पे, उनके लिए रिवॉर्ड थोड़ा बहुत चेंज होगा। और उसके बाद बात करें तो कस्टम मोड में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं कस्टम मोड में, तो आपका जो गन चेंज करने का रहता है, गन स्विच करने का रहता है, उसके लिए चेंजेस हो रहा है। और साथ में अभी जो हमारा इंक्यूबलेटर होता है वहाँ पे मैक्सिमम 5 स्पिन का दिखाता है, तो वहाँ पे आपको 10 स्पिन का दिखाएगा, मतलब 10 स्पिन भी आप कर पाओगे एक साथ, ठीक है। उसके बाद 30 सेकेंड का वार्म अप पीरियड रहेगा सभी क्लोज कॉम्बेट वाले मोड में। तो क्लोज कॉम्बेट वाले मोड मतलब जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि क्लोज कॉम्बेट होता है वही सब जो हम खेलते हैं, देखो क्लैश स्क्वाड खेल रहे हैं, बॉम स्क्वाड और ट्रेनिंग वगैरह, तो इन सब में 30 सेकेंड का वार्म अप पीरियड भी दिया जाएगा। सो बस गाइस इतना ही अपडेट आ रहा है, और सभी अपडेट्स मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं होते तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और साथ में नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस फास्टेस्ट देखने को मिलते रहे। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।